ड्रामों में खात बनाना चाहते हैं जी, तो वो खात ये होता है कि आपका फास्ट खात बनेगा, मतलब वर्मी कंपोस्ट से 2 महीने लगते हैं खाद बनाने में, और इस अगर ड्रामों में आप वेस्ट डिकम्पोजर से खाद बनाओगे तो मैक्सिमम आपका 10 दिन में एक ड्रम खाद तैयार हो। सर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आप बनाते हैं? हाँ जी। वो कैसे बनाते हैं स्प्रे करने के लिए, क्योंकि पौधे के वो ज़्यादा जरूरी होते हैं? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बनाने के लिए आपको ये है कि भाई आप इसमें तो जैविक खाद और जैविक जो हमारी जो उत्पादन तैयार होता है उसका रेट बहुमूल्य होता है। आज अगर हम बड़े जो मेट्रो सिटीज की बात की जाए तो वहाँ पे जो भी इंटेलिजेंट या पढ़े लिखे जिनको हम मानते हैं वो लोग इन चीज़ों की कीमत समझते हैं, लेकिन हम तो ग्रामीण क्षेत्र के लोग, हमें इनके बारे में पता नहीं है। हम जो भी केमिकल खेती करते हैं उनके रेट वगैरह भी आगे आने वाले समय में बहुत कम हो जाएंगे, लेकिन मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ 10 साल के अंदर जैविक जो उत्पाद होंगे उसके रेट कई गुना बढ़ जाएंगे, और 10 साल के बाद सभी लोगों को कम से कम इस जैविक खेती के ऊपर बहुत ज़्यादा समय देना पड़ेगा। तो आज जैविक खाद कैसे तैयार करें, अपने घर का जो रसोई का वेस्ट होता है उसको भी कैसे आप यूज़ कर सकते, यूज़ करके और कैसे अच्छी खाद बना सकते हैं, तो आज विक्की जी ही जानेंगे कैसे वो अच्छी खाद तैयार खाद तैयार करते हैं और कितने सस्ते तरीके से खाद तैयार कर सकते हैं, बहुत कम खाद से बहुत ज़्यादा खेती कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो विक्की सर, सबसे पहले मैं आपका नाम और पता जानना चाहूँगा। मैं विक्की यादव, सन ऑफ ओम प्रकाश, विलेज बैरमपुर, जिला रेवाड़ी, तहसील कोसली का रहने वाला हूँ, और मेरा मोबाइल नंबर 9991158823 है, और मैं जैविक खेती करता हूँ। तो सर आप जैविक जो खाद तैयार करते हो, अभी समय नहीं है, अभी हम किसी को वीडियो जो बंदा देखेगा या किसी को दिखाएंगे वो इस चीज़ को थोड़ा सा नया समझेगा, लेकिन मैं श्योर 100% कहता हूँ कि आने वाले 10 साल के अंदर जैविक खेती के ऊपर इतना ज़्यादा दबाव आएगा, इतनी ज़्यादा जैविक प्रोडक्ट्स की मांग होगी जिसकी कोई अनुमान नहीं लगा सकते। तो जैविक खाद आप अपने खेतों में कैसे प्रयोग करते हैं और कैसे उसको बनाते हैं, तो उसके बारे में शुरुआत से हमें बताएं। मैं पहले तो वेस्ट डिकम्पोजर के बारे में बताऊँ। सबसे पहले ज़रूरी है जैविक खेती करने के लिए वेस्ट डिकम्पोजर ज़रूरत पड़ेगी आपको, तो इसका सबसे ये है कि अगर आप किसी पुराने किसान से कॉन्टैक्ट में हैं तो या तो उससे जैविक का अपना वेस्ट डिकम्पोजर का पानी ले जाएं 1-2 लीटर बनाने के लिए, या फिर अमेजोन से वेस्ट डिकम्पोजर ऑनलाइन मंगाया जाए इसको। हाँ जी। फिर इसका बनाने का तरीका ये है कि आप एक ये प्लास्टिक के ड्रम में बनाना पड़ेगा आपको, इसमें कोई लोहे वगैरह के बर्तन या कोई किसी धातु के बर्तन यूज़ नहीं कर सकते, ऑनलाइन डिमांड करो, वो आपको जितनी भी सीसी चाहिए 1-2-4 वो 20 रुपये उसकी कॉस्ट होती है, और 9 रुपये उसका वो चार्जिंग लेते हैं, मतलब 29 रुपये में आपको होम पे मिलेगी वो। 29 रुपये में? हाँ जी। ठीक है सर, उसके बाद क्या करना पड़ेगा? उसके बाद बनाने का तरीका ये, आप उसको प्लास्टिक के ड्रम लो। हाँ जी। जितने भी आपने बनाना है 1-2 जितनी ज़्यादा कैपेसिटी में बनाओ उतने ड्रम के बढ़ा लो, कम बनाना है तो ड्रम कम रख लो, 1 cc एक ड्रम में डालनी है वो लगभग, मतलब 200 लीटर पानी में 200 लीटर पानी डालना है उसमें पहले, और 1 लीटर वो वेस्ट डिकम्पोजर की सीसी, 1 लीटर पानी पे 2 ग्राम गुड़, मतलब 200 लीटर पानी में 2 किलो गुड़ हो गया। ठीक है जी। 2 किलो गुड़ डालना है उसमें, और किसी इतने मतलब डंडे से उसको डेली चलाना है। ठीक है। वेस्ट डिकम्पोजर और गुड़ डाल के उस पानी में, और 2 किलो गुड़, अगर गुड़ पुराना मिल जाए तो बेस्ट है, नया मिले तो कोई दिक्कत नहीं है। सर वेस्ट डिकम्पोजर ही बताएं वो कैसे बनेगा उसके बारे में पहले बताएं। तो 200 लीटर पानी उसमें, हाँ जी, 2 किलो गुड़। हाँ जी। मतलब 1 लीटर पानी में 2 ग्राम गुड़ की मात्रा होती है, तो 200 लीटर पानी में 2 किलो गुड़ हो गया। ठीक है। एक अमेजोन से वो मंगाई वेस्ट डिकम्पोजर की सीसी, हाँ जी, उसमें लकीड़े से उसको निकालना, हाथ नहीं लगाना है। ठीक है। और वो इसमें पानी में डाल के 2 किलो गुड़ डाल दो। ठीक। और उसको रोज डंडे से सुबह शाम हिलाते रहो। ठीक है। और वो 6 दिन में आपका वेस्ट डिकम्पोजर बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है सर। जब वेस्ट डिकम्पोजर बन के तैयार हो जाए तो फसल को 18 पोषक तत्वों की जरूरत होती है जी। हाँ जी। और इसमें न्यूट्रिएंट्स तो होते हैं वेस्ट डिकम्पोजर में, लेकिन ये सबसे ज़्यादा इसका काम यही है कि ये आपकी कोई भी वेस्टेज है उसको खाद बनाने का काम फास्ट तरीके से करता है। ठीक है। जो वेस्ट हमारे पास है, गोबर, जो भी है, कोई भी वेस्ट है, पराली है, घर का कूड़ा करकट है, कुछ भी है, चाहे खेत में घास फूस है, उस पर भी आप स्प्रे मारोगे तो ये उसको खाद में बहुत जल्दी तब्दील करेगा, मतलब 15-20 दिन में ही उसका खाद बना देता है ये। ठीक है सर। और दूसरी चीज़ ये है कि आप इसके में कुछ न्यूट्रिएंट्स बना सकते हो बाकी पोषक तत्व तो पूरा करने के लिए। हाँ जी। तो वो पोषक तत्व तो पूरा करने के लिए आपको वेस्ट डिकम्पोजर जो आपका कंप्लीट तैयार हो जाए 6 दिन में, हाँ जी, तो उसमें दूसरे ड्रम में उसको डाल लो खाली में। हाँ जी। और उसमें 5 किलो सरसों की खड़। ठीक है। सरसों की खड़ में आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास 3 चीज़ पूर्ति होगी। ठीक है।
उसके बाद में कोई भी आप कॉपर का तार या कोई भी कॉपर का गर्मी बर्तन है वो डाल लो, उससे आपकी कॉपर की पूर्ति हो जाएगी। ठीक है। आयरन की पूर्ति करने के लिए कोई भी लोहे का टुकड़ा डाल दो, उसमें लोहे की पूर्ति कर देगा वो। कोई भी एल्यूमिनियम का बर्तन या तार कोई भी वो उसमें डाल दो, वो एल्यूमिनियम पूर्ति करेगा। 1 किलो अपने घर की चूल्हे की लकड़ी से बनाई हुई राख, हाँ जी, वो पोटाश की पूर्ति करेगा, उसमें वो डाल दो। घर की बची हुई लस्सी जो है वो डाल दो उसमें, वो फंगस साइड का भी काम करेगी और कैल्शियम की पूर्ति करेगी उससे। ठीक है। और उसको डालने के बाद आप 4-5 दिन उसको एक बार सुबह शाम डंडे से चला दो और 4-5 दिन रखे रहने दो उसको। हाँ जी। फिर उसको आप किसी खाद में या अपने जब खाद बनाना है तो खाद में डालो उसको। हाँ जी। उससे आपके खाद में A to Z पोषक तत्व पूर्ति होगी, आपको कोई घन जीवामृत या जीवामृत कुछ बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उस खाद से ही आपकी फसल में सारी पूर्ति हो जाएगी। ठीक है सर, ये और बताएं कि उसको कितने दिन तक खाद में डाल के रखें, या उसको भी घुमाने का कुछ हिलाने का तरीका है? आप इतने इतने ड्रामों में खाद बनाना चाहते हैं, हाँ जी, तो वो खाद ये होता है कि आपका फास्ट खाद बनेगा, मतलब वर्मी कंपोस्ट से 2 महीने लगते हैं खाद बनाने में। और इस अगर ड्रामों में आप वेस्ट डिकम्पोजर से खाद बनाओगे तो मैक्सिमम आपका 10 दिन में एक ड्रम खाद तैयार हो जाएगा। ठीक है सर। उसके अंदर हम क्या क्या डालते हैं, ड्रम के अंदर क्या क्या डालते हैं? ड्रम में आपको ये करना है, आप खाली ड्रम लो, हाँ जी, उसमें आपका बनाया हुआ न्यूट्रिएंट्स का जो वेस्ट डिकम्पोजर है वो 10 लीटर डाल दो एक ड्रम में। हाँ जी। और डेली अपना जो पशुओं का गोबर होता है वो। हाँ जी, ठीक है। और अगर पैसा उनका इकट्ठा कर सकते हो जिस जो भी पशु आपका, तो वो पैसा डाल दो। अगर पैसा नहीं डाल सकते तो उसमें बर्तन धोने वाला जो पानी है वो अपना इकट्ठा करो। हाँ जी। और वो पानी उसमें डालो, घर की बची कुची हुई लस्सी। हाँ जी। 2 किलो गुड़ डालना है उसमें, 1 किलो कोई भी आटा, बाजरे का, गेहूं का, जो भी आपको सस्ता पड़े वो डालना है। हाँ जी। वो डालने के बाद डेली आप अपना गोबर डालते रहो, जब ड्रम रोज उसको डंडे से हिलाते रहो। ठीक है सर। डंडे से अगर आप हिलाओगे नहीं तो वो आपका खाद ऊपर का तैयार हो जाएगा, नीचे का नहीं होगा, तैयार नहीं हो पाएगा। दूसरी चीज उसको हिलाने से ये होती है, गोबर में मीथेन गैस बनती है जो खेतों में बहुत हानिकारक होती है, वो अच्छे जीवाणुओं को मारती है। हाँ जी। हिलाने के बाद वो गैस निकल जाती है, वो मीथेन गैस नहीं बनती उसमें। ठीक है सर। तो आपकी वो खाद जो कंप्लीट तैयार होगा न्यूट्रिएंट्स के साथ तैयार होगा, उसको डालने का तरीका ये है, अगर इस तरीके से आप खाद बनाओगे तो एक किसान को 2 या 3 ट्राली 1 एकड़ में, क्योंकि वो खाद बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, इतना पावरफुल होता है कि वो। उसका डालने का तरीका ये है, आप उसको खाद को स्टोर करते रहो और स्टोर करके ट्रॉली में डालो। हाँ जी। और तसले से थोड़ा थोड़ा खेत में बराबर एक चार खिंडाते चले जाओ उसको पकड़ते। हाँ हुए 2 ट्राली ही वो खाद बहुत है आपका 1 एकड़ में, मतलब किसान ये कहता भी देसी खाद कहाँ से लें। हाँ जी। तो कम खाद में आपकी बढ़िया पैदावार, मैं आगे आपको चाल के अपनी फसल भी दिखाऊँ उस खाद से करी हुई। हाँ जी। तो कम खाद में आपकी बढ़िया पैदावार होगी और कम खाद से ज़्यादा खेतों को आप एडजस्ट कर सकोगे। कितने साल से आप ये काम करते आ रहे हैं? मेरे को 3री साल होगी जी, 3री साल खेती करते हुए। मैंने सरसों भी जैविक कर रखी है और गेहूँ भी जैविक कर रखे हैं। अब ये सरसों का जैविक मैं अपना तेल निकाल के तेल सेल करूँगा, गेहूँ तो खाने वाले ले ही लेते हैं, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। सर, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आप बनाते हैं? हाँ जी। वो कैसे बनाते हैं स्प्रे करने के लिए, क्योंकि पौधे के वो ज़्यादा जरूरी होते हैं? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बनाने के लिए आपको ये है कि भाई आप इसमें वेस्ट डिकम्पोजर जो आपने तैयार किया हुआ है उसमें 5 किलो सरसों की खल डाल दो। हाँ जी। और 1 किलो कोई भी अपना ये गुड़ डाल लो उसमें। ठीक है। पुराना मिल जाए तो बेस्ट है, नहीं तो नया भी डाल सकते हो। और उसमें 1 किलो कोई भी दाल, मतलब 3-4 मेल की मूंग, मोठ, दले, चने की जो भी अवेलेबल हो वो डाल दो। अगर वो नहीं है तो सोयाबीन डाल सकते हो। सोयाबीन दाना? सोयाबीन को आप पीस के उसका आटा डाल सकते हो उसमें। ठीक है। और उसके अंदर आप एक 200 लीटर जो न्यूट्रिएंट्स का बना रहे हो उसमें 200 लीटर में 15 1 साल पुराने उपड़े। अच्छा जी। उसमें वो डाल दो, 5 किलो सरसों की खल होगी आपकी इतने, और इतने लस्सी डाल दो। हाँ जी। उससे आपका न्यूट्रिएंट्स तैयार हो जाएगा और वो ग्रोथ भी पौधे बढ़िया करेगा और आपकी फसल में सभी खातों की पूर्ति करती है। उसको आप स्प्रिंकलर के थ्रू स्प्रे कर सकते हो। हाँ जी। खुले पानी में दे सकते हो आप। हाँ जी। उसका पानी में देना चाहो पानी में, या फसल पे स्प्रे कर सकते हो। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। तो आप जो अपनी जो रसोई के आइटम डालते हैं इसके अंदर, एक बार वो टैंक डालते हैं इसके अंदर, इसमें वेस्ट डिकम्पोजर ड्रम से ये अपने वेंचुरी के जरिए सेक्शन बनता है और ये आपके फुहारों में स्प्रे करने के लिए जाता रहेगा पानी में बराबर।
ठीक है। इसके दो फायदे हैं किसान को, एक इसकी कीमत ज़्यादा नहीं है, ये 4000 रुपये में आती है। कोई भी पेस्टिसाइड किसान को स्प्रे करना है तो फुहारों के जरिए वो स्प्रे कर सकते हैं, आपको मशीन या ट्रैक्टर से स्प्रे नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है। आप जो न्यूट्रिएंट्स बनाते हो जैविक खेती के लिए, वो भी पानी में खुला देना चाहो खुले में चला जाएगा या फुहारों से स्प्रे हो जाएगा फसल पे। ठीक है। दो फायदे हैं इसके। आपके पानी की क्या TDS है सर? मेरे पानी का TDS यहाँ 5000 है, मतलब यूनिवर्सिटी ने मेरी रिपोर्ट के मुताबिक ये पानी फसल के काबिल नहीं है, मतलब इसमें 9000 ईसी नमक है और 170 सोडियम है, सोडा मिट जो दोनों चीज़ें फसल के लिए हानिकारक है, इसमें जर्मिनेशन नहीं होती। लेकिन मैं जैविक खेती कारण अच्छी फसल हो रही है मेरी, और इसमें इस पानी में मैं जर्मिनेशन और फसल बढ़िया हो रही है। तो सर वेस्ट डिकम्पोजर आप इसमें डालते हो और अपना जो भी रसोई का वेस्ट भी होता है? हाँ जी। और गोबर वो इसमें डालते हो? जितना घर का कूड़ा करकट गोबर रसोई का वेस्ट है जो भी है वो आप इसमें डालो। हाँ जी। और इसमें 10 लीटर वो अपने जो न्यूट्रिएंट्स बनाया हुआ है वेस्ट डिकम्पोजर वो डालो डेली, आप जो गोबर है पशुओं का पेशाब है वो डाल दो, बची कुछ लस्सी है वो डालो। हाँ जी। और इसमें मैक्सिमम 2 या 5 किलो आप राख डालो। हाँ जी। और इसको आप रोज डेली डंडे से हिलाते रहो। हाँ जी। एक तो इसमें डेली डंडे से लाने के बाद इसमें जो गोबर में मीथेन गैस बनती है वो प्रकृति के लिए भी और खेती के लिए भी हानिकारक होती है, वो आपके अच्छे मित्र कीटों को मार देती है, मीथेन गैस वो नहीं बनेगी, वो गैस खारिज हो जाएगी। हाँ जी। दूसरा ये न्यूट्रिएंट्स खाद बनेगा आपका, इसमें आपको कोई घना जीवामृत या जीवामृत कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, एक बार ये खाद डाल दिया। हाँ जी। फसल को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, बढ़िया फसल अच्छी पैदावार और अच्छी ग्रोथ देगी, और ये बहुत फास्ट खाद तैयार होगा आपका, ये मतलब ये आपका मैक्सिमम 4-5 दिन में एक फर्म ये भर जाता है, और ये 10 दिन आपका और लेगा, आपका ये खाद बन के कम्प्लीट तैयार और पौष्टिक खाद होगा।